वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड ईयर के लिए आप लेसन प्लान इंग्लिश के लिए कैसे तैयार करेंगे। अगर बात की जाए हिंदी के लेसन प्लान की, तो मैंने दो लेसन प्लान बता दिए हैं, बाल लीला और काकी। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक करें। साथ ही डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड ईयर के लिए सभी असाइनमेंट फाइल, चार्ट और लेसन प्लान ऑलरेडी बता दिए गए हैं। यहाँ पर ये कुछ और नए लेसन प्लान हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इंग्लिश का लेसन प्लान है आपका द हॉली गंगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है आपका लेसन प्लान नंबर 3, जो कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आप नंबरिंग ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कॉलम बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है डेट का। जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाते हैं, यहाँ पर आप वही डेट डालेंगे। आप डेट कॉपी मत करिएगा। उसके बाद क्लास यानी कक्षा, क्लास आपकी 7th है और 7th क्लास से आज का टॉपिक है द हॉली गंगा। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। पीरियड यहाँ पर 3rd है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग 1st, 2nd, 3rd, 4th जो चाहें अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड कितना है, तो ये 35 मिनट है। मिनिमम आप 30 से 35 मिनट और मैक्सिमम आप 40 से 45 मिनट पीरियड का रख सकते हैं। क्योंकि आपकी ये कक्षाएं जो क्लासेस हैं वो छोटी होती हैं, तो आप मिनिमम 30 से 35 मिनट का ही पीरियड लेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक मैंने बता दिया है, सबसे पहले आप टॉपिक डालेंगे। उसके बाद आएगा जनरल एम्स, यानी जिसे आप सामान्य उद्देश्य कहते हैं। जनरल एम्स की बात की जाए तो इसमें आप जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर इंग्लिश है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जनरल नॉलेज देते हैं बच्चों को, या सामान्य जानकारियाँ देती हैं अंग्रेजी या इंग्लिश विषय के प्रति, ये आप कह सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उससे रिलेटेड ही आपका जनरल एम रहेगा। तो यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे पॉइंट दिए हैं, मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आप 3 पॉइंट लिखेंगे और मैक्सिमम आप 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं जनरल एम्स के लिए। यहाँ पर देख लेते हैं, 1st पॉइंट है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड्स एंड लेटर्स करेक्टली। 2nd पॉइंट है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट करेक्टली करेक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश। 3rd है टू मेक द वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग। 4th है टू ट्रेन द स्टूडेंट्स टू रीड इंग्लिश करेक्टली। 5th है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो ये हो गया सामान्य उद्देश्य, यानी जो सामान्य जानकारियां हैं विषय से संबंधित, तो वो देंगे आप बच्चों को। उसके बाद आएगा स्पेसिफिक एम, या फिर आप इसे स्पेसिफिक एम या स्पेशल नॉलेज भी डाल सकते हैं। तो जो इसमें होगा वो आपका टॉपिक से रिलेटेड आएगा। जो भी आपका टॉपिक है, द हॉली गंगा आपका टॉपिक है, तो यहाँ आप टॉपिक से रिलेटेड जो है स्पेसिफिक नॉलेज देंगे बच्चों को, स्पेसिफिक जानकारियाँ देंगे। यहाँ पर दिया है तो टू गिव द नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड स्पीकिंग ऑफ नेम ऑफ द रिवर इन इंग्लिश, ठीक है। चूँकि हॉली गंगा आपका रिवर से ही रिलेटेड है आपका टॉपिक, तो इससे रिलेटेड आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग मटेरियल, यहाँ पर टीचिंग मटेरियल भी डाल सकते हैं, या फिर TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स डालिएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप डाल सकते हैं, यहाँ पर TLM डाल सकते हैं कि आपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन सा TLM यूज़ किया है। तो यहाँ पर है अ चार्ट ऑफ रिवर्स, चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर। इसके अलावा आप जो है ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, कोई पिक्चर यूज़ करते हैं, कोई थिंक यूज़ करते हैं, इस तरह से एक्सेट्रा चीज़ें आप जो भी आपके क्लासरूम में अवेलेबल हैं वो चीज़ें भी आप यूज़ करते हैं या यूज़ करें हैं, तो उसको आप TLM में दिखाएंगे। उसके बाद आएगा एक्टिविटी, यहाँ पर आपने एक्टिविटी किस तरह से की है, विद द हेल्प ऑफ चार्ट इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स अबाउट रिवर बाय एन एक्टिविटी, ठीक है। तो चार्ट के माध्यम से आपने इसका इंट्रोडक्शन दिया, ये आपकी एक्टिविटी रही। उसके बाद आएगा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, तो किस तरह से पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट ने, ऑल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन दी एक्टिविटी, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटी दिखाई है, ठीक है। टॉपिक
के अंतर्गत। उसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट प्रीवियस नॉलेज, यानी जिसे आप हिंदी में पूर्व ज्ञान कहते हैं। प्रीवियस नॉलेज की बात की जाए तो इसमें आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि बच्चों को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड। इसमें दिया है द स्टूडेंट आर फॉर्मेलियर द नेम ऑफ द रिवर्स, ठीक है। तो ये है बच्चों का प्रीवियस नॉलेज। इसके बाद आएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, यानी जिसे आप प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक को पढ़ाने से पहले टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस निकलवाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड कितना कुछ पता है, ठीक है। जहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएगा वहीं से आप अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप मिनिमम 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चौथे पे आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आना चाहिए और मैक्सिमम आप 5 कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ये आपका माइक्रो टीचिंग के लिए नहीं है तो आप यहाँ पर मिनिमम 3 से 5 के बीच में ही करेंगे, अदरवाइज़ आप 10 क्वेश्चन भी यानी 10 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 3 कॉलम मेंशन करेंगे। फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, सेकेंड है पीपल टीचर एक्टिविटी और थर्ड रहेगा स्टूडेंट एक्टिविटी या स्टूडेंट रिस्पॉन्स। इसमें क्वेश्चन करेगा टीचर और उसका जो आंसर है या एक्टिविटी है वो स्टूडेंट के द्वारा की जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन किया फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, तो स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट ने आंसर किया वी गेट वाटर फ्रॉम हैंड पंप, ठीक है, रिवर्स पॉन्ड और वेल भी हो सकता है। तो इस तरह से आप कई सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टेल मी द नेम ऑफ एनी रिवर, स्टूडेंट एक्टिविटी में नेम ऑफ रिवर आर गंगा यमुना एंड गोमती, अनदर रिवर्स भी हो सकती हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में वो अपना आंसर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आर डू यू नो एनी स्टोरी ऑफ द गंगा, यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ गया, समस्यात्मक प्रश्न आ गया। यहाँ पर भी कोई आंसर आप बना करके तब चौथे पे आप प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन निकाल सकते थे, अदरवाइज़ ठीक है। चूँकि आपकी क्लास छोटी है तो आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कम भी कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द एम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या कुछ है। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है या स्टेटमेंट ऑफ द एम होता है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही निकलना चाहिए। टॉपिक क्या है, स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द होली गंगा, ठीक है। टॉपिक आपका द होली गंगा है तो यही आपका स्टेटमेंट ऑफ द एम आना चाहिए। अगर ये करेक्ट आया है तो इसका मतलब आपका लेसन प्लान करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आएगा प्रेजेंटेशन क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन यानी आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्न होते हैं, हिंदी में आप इन्हें प्रस्तुतिकरण प्रश्न कहते हैं। इसमें आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे, टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करेंगे अपने TLM के साथ, अदर एक्टिविटी के साथ, ठीक है। यहाँ पर सीधा इन्होंने कितने कॉलम बनाए हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद टीचिंग पॉइंट भी होना चाहिए। यहाँ पर जैसे एक्सप्लेनेशन है, कई तरह से लेसन प्लान मेंशन होता है तो ये आप मत समझिएगा कि इस तरह से नहीं बनेगा। यहाँ पर जैसे टीचिंग पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क, तो इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में आती हैं, साथ ही टीचिंग मेथड भी आता है। तो इस तरह से 6 कॉलम मेंशन होते हैं। यहाँ पर कम मेंशन किए हैं सीरियल नंबर, एक्सप्लेनेशन, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी, साथ ही ब्लैक बोर्ड वर्क भी साइड में होना चाहिए। इसके बगल आप कॉलम यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर लास्ट में ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर आप टीचिंग मेथड ज़रूर डालिएगा कि आपने किस मेथड का यूज़ किया है अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो टीचिंग मेथड, उसके बाद यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क भी डाल दीजिएगा। चूँकि आपका ये जो था एक स्टूडेंट का था तो मैंने उसे से ले करके आप लोगों को बताया है। अगर मेरे पास टाइम होता एक्स्ट्रा तो मैं इसे बना करके एक्सप्लेन करती, इसलिए यहाँ पर जो भी कमी रह गई मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप किस तरह से चीज़ें डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है डेवलपमेंट क्वेश्चन, यानी बोध प्रश्न कौन से हैं इन्होंने पूछे हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिवर, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटी में उन्होंने आंसर कर दिया वी गेट वाटर फ्रॉम द रिवर। इस तरह से आपने मॉडल रीडिंग की है यहाँ पर, देखिए आपके द्वारा की गई है। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल लिसन इट केयरफुली। तो इस तरह से जब भी आप मॉडल रीडिंग करेंगे, क्योंकि आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं
ठीक है, उसको आप पढ़ के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इस तरह से आप मॉडल रीडिंग करेंगे और बच्चे उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। लाउड रीडिंग, इसमें आप चिल्ला करके टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें द पीपल टीचर्स विल से टू द स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ रिवर्स एंड द वैल्यू ऑफ द रिवर्स रिवर गंगा, ठीक है। स्टूडेंट विल लिसनिंग इट केयरफुली या लिसन इट केयरफुली, ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्टिविटी में। इसके बाद आएगा कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस की बात की जाए, ये बोध प्रश्न होते हैं, ठीक है, बच्चों की मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए कि आपने जो भी टॉपिक को पढ़ाया है उन्हें कितना समझ में आया, इसके लिए आप कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके लिए आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप 5 कर सकते हैं, काफ़ी होते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे, आप बिल्कुल ऐसे ही पूछ सकते हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए। उसके बाद आएगा ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी जिसे आप हिंदी में श्यामपट्ट कार्य कहते हैं। इसके लिए आप ब्लैक चार्ट आप ले आएंगे स्टेशनरी से, ठीक है। ब्लैक चार्ट को काट करके वाइट स्पार्कल पेन से आप इन चीज़ों को मेंशन करेंगे। डेट होगी, क्लास, सब्जेक्ट यहाँ पर साइड में, पीरियड, ड्यूरेशन, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप टॉपिक डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी दिखा सकते हैं या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए। और अगर आपके पास ब्लैक चार्ट अवेलेबल नहीं है तो ब्लैक पेन होगा, ब्लैक स्केच कलर होगा, उससे आप ऐसे ही ब्लैक बोर्ड बना लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही डेट वगैरह मेंशन करके ब्लैक स्केच से इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, काफ़ी है। उसके बाद आएगा ऑब्जर्वेशन या सुपरविज़न, जिसे आप हिंदी में निरीक्षण कार्य कहते हैं। यहाँ पर आप क्लास का ऑब्जर्वेशन या सुपरविज़न करेंगे, यहाँ पर सुपरविज़न ही करेंगे क्योंकि सुपरविज़न में यानी निरीक्षण में आप क्या करते हैं, हेल्प भी बच्चों की करते हैं, जबकि ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आप क्लास को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे व्हेन द स्टूडेंट्स विल बी कॉपीइंग द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक द पीपल टीचर वुड सुपरवाइज द क्लास एंड हेल्प देम। इस तरह से जो टीचर है यानी आप हैं वो कक्षा का आप निरीक्षण करेंगे और आवश्यकता अनुसार छात्र या छात्राओं की हेल्प भी करेंगे। उसके बाद आएगा रिवीजन वर्क, या इसे आप क्लास वर्क भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें आप जो भी टॉपिक को पढ़ाएं उसका क्लास में ही रिवीजन करवाएंगे। इसके लिए आप 2 या 3 क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, क्लास वर्क के लिए। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा होमवर्क, यानी जिसे आप गृह कार्य कहते हैं। होमवर्क में आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड मीनिंग, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आंसर, या फिर आप टॉपिक रीड करने के लिए भी दे सकते हैं। नेक्स्ट डे आप क्लास में रीड भी करवाएंगे बच्चों से, तो ये इस तरह से आप होमवर्क में अपने अकॉर्डिंग चीज़ें दे सकते हैं। यहाँ पर दिया है जैसे ऑल स्टूडेंट्स विल राइट द वैल्यू ऑफ द रिवर्स इन देयर नोटबुक, तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं होमवर्क के लिए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है जो कि था द होली गंगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 4 को लेकर के, जो कि आपका क्लास 6 से रिलेटेड रहेगा। सब्जेक्ट इंग्लिश है, टॉपिक है नाउन, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।